शनिवार को चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व समारोह उस समय फीका पड़ गया जब अशोक तंवर व किरण चौधरी ने इस समारोह का बहिष्कार कर दिया। याद रहे कि कुमारी शैलजा को अशोक तंवर के स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष व भूपेंद्र हुड्डा को किरण चौधरी के स्थान पर विधायक दल का नेता बनाया गया है। परंपरा अनुसार पद मुक्त नेता ही अपने उत्तराधिकारी को दायित्व सौंपते हैं। जाहिर तौर पर शैलजा को अशोक तंवर व हुड्डा को किरण चौधरी ने दायित्व सौंपने का शिष्टाचार निभाना था, लेकिन अशोक तंवर व किरण चौधरी की गैरहाजिरी में दायित्व समारोह महज एक खिलवाड़ बनकर रह गया। उधर अपने अध्यक्षीय भाषण में कुमारी शैलजा का यह ऐलान चाहे सहज भाव में दिया हो, लेकिन उनके बयान के कूटनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। मसलन उन्होंने कहा कि टिकट उन कार्यकर्ताओं को मिलेगी जो पिछले 5 साल तक निरंतर कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए काम करते रहे। अशोक तंवर के समर्थकों का तर्क है कि पिछले 5 साल तक अशोक तंवर के समर्थकों ने ही कांग्रेस का कार्य समर्पित भाव से किया है। उनका आरोप है कि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक कार्यकर्ता व समर्थक विधायक तो निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के आदेशों या आह्वान की कभी परवाह ही नहीं करते थे और ना ही कभी तंवर की कॉल पर किसी भी धरना प्रदर्शन में हुड्डा समर्थकों ने भाग लेना ही जरूरी समझा, बल्कि हुड्डा समर्थकों ने कांग्रेस का संगठन तक बनने नहीं दिया। सो कुमारी शैलजा के बयान का क्या मतलब निकाला जाए? दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ने ऐलान किया कि वह खुद चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सवाल है कि जब चुनावी रण में कप्तान ही मैदान से बाहर होगा तो सेना के मनोबल का क्या बनेगा? क्या कुमारी शैलजा को एहसास हो गया है कि वह चुनाव नहीं जीत सकती? बहरहाल इस समारोह में कुलदीप बिश्नोई का ना पहुंचना भी दर्शाता है कि कुलदीप बिश्नोई को भूपेंद्र हुड्डा व शैलजा का नेतृत्व जरा भी स्वीकार नहीं है। हुड्डा के बारे में तो अलबत्ता कुलदीप ने अपना रुख तभी साफ कर दिया था जब हुड्डा की बस यात्रा में बैठने से कुलदीप ने साफ मना कर दिया था, लेकिन कुमारी शैलजा से भी उनकी सियासी शत्रुता किसी से छिपी नहीं हुई है। याद रहे कि उनके पिता भजनलाल व शैलजा के बीच कभी भी मधुर संबंध नहीं रहे। यही कारण है कि शैलजा को सिरसा संसदीय क्षेत्र बदलकर अंबाला से चुनाव लड़ना पड़ा था और यही कारण है कि 2005 में शैलजा ने भजनलाल की बजाय भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। जाहिर है इस खटास के चलते कुलदीप बिश्नोई हुड्डा व शैलजा का नेतृत्व मंजूर नहीं करेंगे। अलबत्ता चंद्रमोहन बिश्नोई ने समारोह में आकर स्पष्ट कर दिया है कि अब चंद्रमोहन बिश्नोई अपने भाई कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। सिटी टहलका ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।